किसने इसको क्या थे मंत्र पता क्या होती है बता सही से ये ठंडी हवा खाई वाटर कूलर चल कर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताओ इसको स्टार्ट करो ठीक है ब्रो बर्फ गई जिसके अंदर बर्फ थी अच्छा कोई बात नहीं मतलब वाटर कूलर तीन मॉडल है वाटर कूलर ये फाउंटेन फाउंटेन चलाओ अपना चलेगा चलाओ फाउंटेन पता चल रहा है वीडियो बना रहे सर पता तो चले कि हाँ तुम्हारा ये फाउंटेन काम कर रहा है आराम से आराम आराम केरोसिन है ना इसके अंदर है ना कुछ नहीं इसके अंदर ये भी आप डिस्प्ले कर रहे हैं क्या है मैंने अभी क्या कहते हैं इसे अगर हम आयोडीन के सॉल्यूशन में आलू का टुकड़ा डाल देंगे तो क्या हो जाएगा लेकिन इसका नाम इंग्लिश में क्या होगा कोई बोलो उनकी जो आपसे करवा रहे बताना तो चाहिए सर इसका नाम बच्चे को पता नहीं है और हिंदी में सूक्ष्मदर्शी बता रहा मैंने इंग्लिश में पूछा तो कुछ इधर आ जाओ भाई साहब क्या क्या शोर माफी बजा के देखा ये वैक्यूम क्लीनर यूज करके बताओ वैक्यूम क्लीनर सर ये सर सेमीकंडक्टर पर कार्य करता है इसका नाम सर एम्पलीफायर है और ये इसी से हम साउंड बनाने के लिए प्लस करने के लिए माइनस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं जो सेमीकंडक्टर होता है वो दो प्रकार का होता है पीएनपी और एनपीएन और जो ये इसका है ये जो हमारा मीटर लगा हुआ है ये बताता है कि साउंड कितना प्लस हुआ है कितना माइनस हुआ है और सर जो ये है ये इसका नाम सर दृष्टि धारा है दृष्टि हुआ है इसका नाम ये होता है जो दृष्टि धारा दृष्टि धारा दृष्ट
डीसी डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट है, और ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसका जो इस्तेमाल है जैसे कि चार्जर होता है, आप यूज़ कर सकते हैं इसे? यस सर, हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चार्जर है उसी में, ये उसी में कार्य करता है। ये क्या बना रखा है सर? ये बोलते हैं, बोलते सर जो ये होता है, ये प्रिज्म होता है, इसमें जैसे कि कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे कि ये प्रकाश की किरण है, इससे टकराई है तो इसके लिए ये किरण अपने उससे अपने मार्ग से विचलित हो गई है और ये ऐसे गई है, जबकि इस किरण को ऐसे जाना चाहिए। और जो ये कौन बनता है, ये 45 डिग्री का आप धोख लगी ना सर, ये बताओ भाई उनके, बताओ भाई उनके, समझाओ सर। ये एक वैक्यूम क्लीनर है, ये घर के जो है कचरे से बनाया हुआ है, पर इसमें एक मोटर है जो घूमती है और जिससे एयर प्रेशर बनता है अंदर की ओर, और ये जो अंदर से बाहर से हवा लेती है तो इसमें भी जो कचरा है वो इसके अंदर चला जाता है, और इसके अंदर एक जाली है उसमें इकट्ठा हो जाता है, फिर इसको हम खोल के कचरे में डब्बे में डाल सकते हैं।